हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम चैप्टर 11 स्टार्ट करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। सो लेट्स स्टार्ट इट। ट्रांसपोर्टेशन हमारा इंजेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, इन सब में से ये एक ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का बेसिकली मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। तो वैसे ही हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह पहुँचेगा, ठीक है। हार्ट से हमारा ब्लड हैंड तक, लेग तक कहाँ कैसे पहुँचेगा? तो उसके लिए हमारे बॉडी में क्या प्रेजेंट होती है? ब्लड वेसल्स। तो इसी से तरीके से हम शुरू करते हैं अपना न्यू चैप्टर। यू हैव लर्न डेट अर्लियर टेल ऑल ऑर्गेनिजम्स, सब ऑर्गेनिज्म को खाना चाहिए, सबको पानी चाहिए, सबको ऑक्सीजन चाहिए सर्वाइवल के लिए, ठीक है। दे नीड टू ट्रांसपोर्ट ऑल दीज वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और ठीक है, खाना चाहिए, वाटर चाहिए, लेकिन ये सारी चीज़ें हैंड तक, लेग तक पहुँचाएगा कौन? कौन करेगा? एनिमल्स में भी सेम है, ठीक है। एनिमल्स को अगर अपना वेस्ट ट्रांसपोर्ट करना है, रिमूव करना है, तो वो कैसे करेंगे? हैव यू वंडर्ड हाउ ऑल दी सब चीज़? तो ये सब कैसे होता है, ठीक है। आपने हार्ट को और ब्लड वेसल्स को तो देखा ही होगा, ठीक है। दे फंक्शन, यही लोग करते हैं, ठीक है। दे फंक्शन टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस टुगेदर फ्रॉम द सर्कुलेटरी सिस्टम। ये जो आप ये ब्लड वेसल्स का देख रहे हो ना, जो गर्ल यहाँ पर बनी हुई है, इसमें जो ये नर्व्स देख रहे हो, ये पूरी बॉडी में इसके फैली हुई हैं। इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सर्कुलेटरी सिस्टम हमने क्यों कहा है? क्योंकि सर्कुलेट, सर्कुलेट मतलब हमारा ब्लड क्या हो रहा है? सर्कुलेट हो रहा है, हमारा ब्लड सर्कुलेट हो रहा है। देखो, अभी मैंने बोला कि हमारा फूड, वाटर कैसे पहुँचेगा, किस तरीके से पहुँचेगा, तो वो कौन पहुँचाएगा? ब्लड वेसल्स। वो किस तरीके से हेल्प से पहुँचेगा? सर्कुलेटरी सिस्टम की हेल्प से पहुँचेगा, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि स्टमक खाना देगा हैंड को। कैसे देगा वो हैंड को खाना? जब यहाँ से कोई ऐसे पाइप कनेक्ट होगी हैंड तक, तभी तो जा पाएगा। एंड ये जो पाइप जो कनेक्ट हो रही है, ये पाइप यहाँ पर हार्ट में कनेक्ट है, फिर इस वाले हैंड पे, इसी पाइप के सिस्टम को हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। इस सिस्टम के बारे में हम आज बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में सबसे पहले ब्लड के बारे में पढ़ते हैं। व्हेन यू गेट अ कट, जब आपकी बॉडी में कट हो जाता है, ठीक है, तो ब्लड सारा बाहर निकल आता है। बट ब्लड होता क्या है? ब्लड एक ऐसा फ्लूइड है। क्या है? फ्लूइड। अच्छा, फ्लूइड क्या होता है? वाटर देखा है? वाटर अगर वो थोड़ा सा एकदम थोड़ा गाढ़ा टाइप सा हो जाए, एकदम थोड़ा, बिल्कुल थोड़ा, तो वो क्या हो गया? एक फ्लूइड हो गया। तो ब्लड भी हमारा क्या है? फ्लूइड है, जो कि ब्लड वेसल्स में दौड़ता है। ये ब्लड वेसल्स ही हैं जो आप रेड कलर की, ब्लू कलर की देख रहे हो, ये ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है। इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस लाइक डाइजेस्टेड फूड। अब इन ट्रांसपोर्ट, ये जो आप ब्लड वेसल्स देख रहे हो, इसके अंदर ये क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। हमने मान लिया कि ट्रांसपोर्ट करते हैं, क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं? ये डाइजेस्टेड फूड, जो आपका खाना स्टमक ने डाइजेस्ट किया है, ये हर कोने तक ये पहुँचाते हैं, ठीक है। ओके, इट कैरीज द ऑक्सीजन। एंड ये जो वेसल्स हैं, ये ऑक्सीजन भी कैरी करती हैं, ठीक है। एंड ऑक्सीजन किसको देना होता है? इन्हें, इनको देना होता है सेल्स को, बॉडी के हर कोने को। सेल्स को ये लोग क्या देती हैं? ऑक्सीजन देती हैं। बॉडी के हर पार्ट को ये डाइजेस्टेड फूड देती हैं। इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट वेस्ट, और ये वेस्ट में भी हेल्प करती हैं। हाउ डज द ब्लड कैरी वेरियस सब्सटेंस? ब्लड के अंदर इतनी सारी चीज़ें होती कैसे हैं? तो देखो, ये इंपॉर्टेंट आ गया। ब्लड के अंदर, एक ब्लड होता है, उसके अंदर प्लाज्मा होता है। क्या होता है? प्लाज्मा, इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। इस प्लाज्मा के अंदर, ये जो प्लाज्मा, इसके अंदर अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं। तो पहले आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ब्लड का कलर रेड क्यों होता है? कलर रेड होता है हेमोग्लोबिन की वजह से, ठीक है। हेमोग्लोबिन की वजह से हमारा कलर रेड कलर का दिखता है। यहाँ पर देखो, आर्टरीज। अच्छा, मैंने अभी आपको बोला कि एक रेड कलर की ब्लड वेसल है, एक ब्लू कलर की ब्लड वेसल है। जो रेड वाली है उसको हम क्या कहते हैं? आर्टरीज। एंड जो ब्लू वाली है उसको हम कहते हैं वेन्स, ठीक है। एंड आर्टरीज हमेशा साफ ब्लड कैरी करती हैं। कौन सा ब्लड? कौन सा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो ऑब्वियसली साफ होता है, तो ये ऑक्सीजन कैरी करती हैं, साफ ब्लड कैरी करती हैं। लेकिन वेन्स, हम ये नहीं कहेंगे गंदा ब्लड, हम कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीज़ें ये कैरी करती हैं, ठीक है। और ये ब्लू कलर की होती हैं। वन टाइप ऑफ सेल इन द, अच्छा मैंने बोला ये है ब्लड, ब्लड के अंदर होता है प्लाज्मा। इस प्लाज्मा के अंदर क्या होता है? आरबीसीज हो गए। क्या हो गए? आरबीसीज होता है। आरबीसीज क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स होता है। अभी हमने ऊपर देखा कि जो प्लाज्मा है उसके अंदर अलग अलग तरीके के सेल होते हैं। तो पहला सेल होता है रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल के अंदर क्या होता है? हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन ब्लाइंड्स विद ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्टेड टू द, हेमोग्लोबिन ब्लड के ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है और फिर पूरी बॉडी तक पहुंच जाता है। ओके, इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रोवाइड ऑक्सीजन एफिशिएंटली टू ऑल द सेल्स बॉडी विदाउट हेमोग्लोबिन। तो ऑक्सीजन क्या है? एक गैस है। एक गैस को आप पूरी बॉडी तक कैसे पहुँचाओगे? गैस तो उड़ भी सकती है ना, तो हम क्या करते हैं उसमें हेमोग्लोबिन मिक्स कर उसको हर बॉडी पार्ट तक पहुँचाते हैं।
हेमोग्लोबिन, देखो यहाँ पर पहले के क्वेश्चन का आंसर मिल गया, द प्रेजेंस ऑफ अ हेमोग्लोबिन मेक्स ब्लड रेड, हेमोग्लोबिन की वजह से ब्लड रेड कलर का दिखता है। अब नेक्स्ट सेल जो होता है वो होता है वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल क्या करता है, हमारी बॉडी में जितने भी जर्म सेंटर होते हैं उसको फाइट करता है उनसे। वो जो गिर गया खेलते जाए, ठीक है, उसके नी में इंजरी आ गई, ब्लड आ रहा था जहाँ पर उसको कट लगा था वहाँ से बहुत ब्लड आ रहा था, थोड़ी देर बाद क्या हुआ, वो ब्लीडिंग अपने आप स्टॉप हो गया और एक डार्क रेड कलर का क्लॉट जम गया, ठीक है, क्लॉट। अब जैसे देखो जाले देखे ना, जाले वैसा कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। बूजो वॉज पजल्ड, अब बूजो कन्फ्यूज होगा ऐसा क्यों, तो ये जो क्लॉट इज फॉर्म्ड, ये जो क्लॉटिंग हुई है ये हुई है इसी प्लाज्मा के अंदर होता है क्या, प्लेटलेट, प्लेटलेट्स की वजह से, ठीक है। ये प्लेटलेट्स हेल्प करती हैं ब्लड को, ये प्लेटलेट्स बेसिकली आई थिंक विटामिन के से मिलती है, जब आप विटामिन के खाओगे तो आपकी बॉडी में प्लेटलेट्स बढ़ेंगे, जब प्लेटलेट्स बढ़ेंगे तो जब भी आपको कभी चोट लग जाएगी तो आपका खून उधर जल्दी से प्लेटलेट्स आके क्या कर देगा, क्लॉटिंग कर देगा, सिलाई कर देगा, जिसकी वजह से आपका ब्लड मोर नहीं बढ़ेगा। अब हम बढ़ते हैं ब्लड वेसल्स के बारे में, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। एक आपने देखा आर्टरी एंड एक आपने देखा वेन, ओके। यू नो दैट ड्यूरिंग द इनहेलेशन ऑफ द फ्रेश सप्लाई, जब हमारी बॉडी में, जब हमारे लंग्स में एकदम अच्छा फ्रेश ऑक्सीजन जाता है, ठीक है, तो ऑक्सीजन को तो पूरी बॉडी में, तो वो होता है आर्टरीज के थ्रू, अभी हम आगे पढ़ेंगे। ऑल्सो द ब्लड पिकअप द वेस्ट मटेरियल, ब्लड कुछ वेस्ट मटेरियल भी कैरी करता है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो ब्लड को, ब्लड ये सारी चीज़ें वापस, गंदा जितना वेस्ट मटेरियल उन सबको कैरी कर किसके पास जाता है, हार्ट के पास जाता है एंड लंग्स के पास जाता है, ठीक है। अच्छा, ये जो एक ब्लड वेसल जो गंदा चीज़ कैरी कर रहा है ये क्या कैरी करेगा, ये करेगा कार्बन डाइऑक्साइड कैरी, ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी लंग्स के थ्रू। तो दो तरीके की वेसल्स होती हैं, एक होता है आर्टरीज, एक होता है वेन्स। आर्टरी ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करती है, ऑक्सीजन रिच ब्लड यानी ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, एंड आर्टरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड तो कैरी करती है बट ये हार्ट से पूरी बॉडी तक ये अच्छा ऑक्सीजन पहुंचाती है। अब जो वेन्स होती है, सिंस अच्छा रुको, वेन्स के बारे यहाँ पर नहीं दिया, वेन्स के बारे में, वेन्स क्या करती है, ये हम कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड भी होती है और इसके अंदर थोड़ा बहुत और वेस्ट होता है, ठीक है, जो बाकी बॉडी पार्ट से हार्ट तक पहुँचाता है, उल्टा हो गया इसका, ओके। अब हम बढ़ते हैं, सिंस द ब्लड फ्लो इज, अब ब्लड तो बहुत तरीके से, बहुत स्पीड से फ्लो करता है, बहुत स्पीड से, ठीक है, द आर्टरीज हैव द, इसीलिए जो आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज कौन है, ये जो रेड वाली है, जो आर्टरीज होती हैं इनकी जो दीवारें होती हैं ये बहुत मोटी होती हैं एंड इलास्टिक होती हैं, बहुत मोटी और बहुत इलास्टिक होती हैं। प्लेस द मिडल एंड द इंडेक्स फिंगर, जो आपकी मिडल फिंगर है एंड इंडेक्स फिंगर है, राइट हैंड, अच्छा पल्स नापना, ऐसे अपनी फिंगर को ऐसे करके देखो, आपने डॉक्टर को भी ऐसे करते हुए देखा होगा पल्स नापने में, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं, आप देखोगे एक थ्रॉबिंग साउंड होगा, मतलब धक धक ऐसा कुछ हो रहा होगा, तो ये जो थ्रॉबिंग है, इस थ्रॉबिंग को हम कहते हैं पल्स। और ये क्यों हो रही है, व्हाट इज़ द रीज़न, रीज़न ये है कि हमारा ब्लड जो है इतनी स्पीड से फ्लो कर रहा है। अच्छा, ये यहीं क्यों पता लग रहा है, बाकी जगह क्यों नहीं पल्स पता लगता, इसलिए नहीं पता लगता क्योंकि यहाँ पर हमारी आर्टरीज ऊपर है और पल्स थोड़ा सा जो हमारा वेन्स है वो नीचे है, इसकी वजह से ऐसा कुछ जो है यहाँ पर होता है। ये देखो आर्टरीज, यहाँ पर आर्टरीज जो है वो उसका नेटवर्क ज़्यादा है इसकी वजह से, ओके। सो यहाँ पर हम पल्स काउंट करते हैं, हाउ मेनी पल्स बीट्स कुड यू काउंट, आप ऐसे कर देखो, आप देखो कि एक मिनट में आप जो है कितनी पल्स जो है आपको धक 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 थ्रॉबिंग साउंड सुनाई दे रही है, तो जितने एक मिनट में आपको जितनी साउंड सुनाई देगी इसको हम कहते हैं पल्स रेट। पल्स रेट क्या होता है, एक मिनट में जितनी बीट्स आपको सुनाई देंगी उसी को कहते हैं। एक पर्सन रेस्ट कर रहा है, उसका पल्स रेट 70-80 बीट्स होगा, मतलब एक मिनट में वो 70-80 बार धक धक वो करेगा, थ्रॉप करेगा, ठीक है। और आप अपनी बॉडी में फील कर देखो, अगर कहीं फील कर पाते हो तो आप एक और जगह फील करोगे, वो है आपके नेक के पास, ठीक है। रिकॉर्ड योर ओन पल्स बीट, आप अपना खुद का पल्स बीट रिकॉर्ड करो एंड टेब अपने क्लासमेट का भी करो और इस टेबल में फिल करो। अब हम पढ़ते हैं वेन्स के बारे में, वेन्स क्या होती हैं, वेन्स जो होती हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कैरी करती हैं, जैसा कि मैंने बताया था, ये बॉडी पार्ट से लंग तक, हार्ट तक पहुंचाती हैं। वेन्स के पास बहुत पतली वॉल्स होती है एंड आर्टरी के पास बहुत मोटी वॉल्स होती हैं। आर्टरी के पास क्यों मोटी वॉल्स होती हैं, वो इसलिए होते हैं क्योंकि आर्टरीज में ब्लड बहुत तेज़ी से फ्लो करता है, बहुत स्पीड से, लेकिन उतना तेज वेन्स में थोड़ा कम स्पीड होती है। देर आर वेन्स प्रेजेंट इन अ वेन्स विच अलाउ द ब्लड टू फ्लो ओनली टुवर्ड्स द हार्ट। अब क्या होता है, एक क्वेश्चन हो सकता है आपका, ये है मेरी वेन, ये क्या है, वेन है,
ये मेरी क्या है, ये मेरा एक बॉडी पार्ट है एंड ये मेरा हार्ट है। वेन ऑब्वियसली आप बोलोगे कि इधर से इधर जाएगा, बॉडी पार्ट से हार्ट की तरफ जाएगा। ब्लड उल्टा भी तो मूव कर सकता है, ब्लड उल्टा भी तो मूव कर सकता है, ऐसी क्या गारंटी है कि ब्लड इसी तरफ जाएगा? ये गारंटी है क्योंकि इसके अंदर होता है वेल्व। क्या होता है? वेल्व्स। ये जो ये वेल्व्स है, वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं, ये जैसे कि हम इसको वॉल कहते हैं, ठीक है। ये वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं, ये वेल्व्स क्या करते हैं, ये जो वेल्व्स यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, ये ब्लड को ये इस तरीके से प्रेजेंट होती हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। ये वेल्व्स प्रेजेंट होती हैं और ये ब्लड को इस डायरेक्शन में जाने ही नहीं देती, ये इसी डायरेक्शन में मूव करता रहता है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा डायग्राम यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, इसको आप समझ लो तो आई थिंक आप सब समझ जाओगे, ठीक है। ये आपका लंग्स, ये क्या है? अच्छा, ये आपका हार्ट है, हार्ट के ऊपर लंग आता है, ठीक है। ये क्या है? पल्मोनरी आर्टरी है। ये क्या है? पल्मोनरी वेन है, ओके। पल्मोनरी वेन अच्छा ब्लड कैरी करती है, कौन सा? ऑक्सीजन रिच। एंड पल्मोनरी आर्टरी कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करती है। अब आप बोलोगे हमने तो पढ़ा कि आर्टरी तो अच्छा कैरी करती है, फिर यहाँ पर ये पल्मोनरी आर्टरी गंदा कैसे कैरी कर रही है, ठीक है। तो इसका आंसर ये है, आर्टरी अच्छा ब्लड कैरी करती है, पल्मोनरी आर्टरी नहीं। पल्मोनरी आर्टरी पे उल्टा हो जाता है, पल्मोनरी आर्टरी CO2 कैरी करती है एंड पल्मोनरी वेन O2। और वेन क्या करेगी? वेन CO2 करेगी एंड आर्टरी O2 करेगी, ये उल्टा हो जाता है, ये अब आपको याद रखना है, ठीक है। तो लंग्स से यहाँ पर O2, ये लंग्स से मैंने सांस ली, हवा गई, हवा जा रही है, अभी हवा जा रही है पल्मोनरी वेन के थ्रू। हार्ट में जा करके ये ब्लड के साथ मिक्स हो गई, ब्लड के साथ मिक्स हो गई। अब हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, उसके बारे में भी आप आगे पढ़ोगे। ये ब्लड में जाकर मिक्स हो गई, ब्लड में अब ये क्या है? ये है आर्टरी, जो कि अच्छा ब्लड कैरी कर रही है। ये क्या है? आर्टरी। यहाँ पर पल्मोनरी वेन गंदा, मैंने बोला ये उल्टा हो जाता है। अब ये ब्लड के साथ ऑक्सीजन मिक्स हो गया, ये जल्दी से यहाँ से जाएगा। अब यहाँ पर होती है कैपिलरीज। अब आप बोलो कि कैपिलरीज क्या होता है? कैपिलरीज में होता है ब्लड का एक्सचेंज। कैसे? ऑक्सीजन आया, ये ऑक्सीजन यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, एंड जैसे ही ये बीच की लाइन को क्रॉस करेगा, ये CO2 में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? क्योंकि सारा O2 अब एब्जॉर्ब हो चुका है, अब ये बन चुका है, जो भी वेस्ट थोड़ा बहुत बचा है वो CO2 में, यहाँ पर CO2 में बदल जाएगा। ये कैपिलरीज क्या करती हैं? O2 से CO2 में बदल देती हैं। अब यहाँ पर देखो 11.3 फिगर को देखकर आप देखोगे, आर्टरी इज डिवाइडेड इनटू द स्मॉलर वेसल्स। जो आर्टरी हैं वो छोटी छोटी वेसल्स में डिवाइडेड है, दे डिवाइड फर्दर इनटू एक्सट्रीमली थिन ट्यूब्स। ये जो आप ट्यूब, ये जो वेसल्स देख रहे हो छोटी छोटी वेसल्स, ये और पतली पतली ट्यूब्स में डिवाइडेड है, जिसको हम कैपिलरीज कहते हैं। ये कैपिलरीज की डेफिनेशन है। ऑन रीचिंग द टिश्यू दे डिवाइड फर्दर कैपिलरीज, कैपिलरीज जॉइन टू फॉर्म द वेन्स विच एम्प्टी इनटू द हार्ट। अब यहाँ पर देखो लिखा है कि जो जब हमारा ब्लड हमारा टिश्यूज में पहुँचता है, कहाँ पर पहुँचता है? टिश्यूज में, मतलब सेल्स में, आप समझ लो, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पहुँचा तो यहाँ पर इसको मिलेंगी क्या? पतली पतली ट्यूब्स। ये पतली पतली ट्यूब्स फिर और पतली ट्यूब्स में क्या होती हैं? बदल जाती हैं। तो बेसिकली मैंने आपको कैपिलरीज, जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ ब्लड होता है, कैपिलरीज जॉइन टू फॉर्म द वेन्स विच एम्प्टी इनटू द हार्ट, कैपिलरीज वेन्स को जोड़ता है आर्टरी के साथ, ठीक है। अब यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड वेन्स से जाएगा, वेन से कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा एंड हार्ट में फिर से ब्लड के साथ मिक्स हो जाएगा। एंड हार्ट का ये वाला चैम्बर जो है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कर देगा। क्या कर देगा? अलग कर देगा, और कार्बन डाइऑक्साइड पल्मोनरी आर्टरी से निकलकर लंग से बाहर हो जाएगी, ठीक है। ये देखो मैंने यहाँ CO2 लिखा है, यहाँ से CO2 ही निकलेगा। आई होप आपको ये प्रोसेस समझ आया होगा, अगर नहीं आया तो वीडियो को वापस जो है बैक कर आप देख सकते हैं। अब हम देखते हैं ब्लड डोनेशन। 100 ऑफ पीपल डाई ड्यू टू द अनएबिलिटी, कितने सारे लोग मर जाते हैं ब्लड ना होने की वजह से। वॉलेंट्री ब्लड डोनेशन इज अ हार्मलेस, वॉलेंट्री ब्लड डोनेशन जो होता है, अभी आपको समझने की जरूरत नहीं है, ये होता है हार्मलेस एंड बहुत ज़्यादा पेनलेस भी होता है, जिसकी वजह से लेकिन हाँ, इससे बहुत लोगों की लाइफ बच सकती है। ब्लड जो है हॉस्पिटल्स में डोनेट किया जाता है या फिर ब्लड बैंक में डोनेट किया जाता है, ठीक है, एंड इनको बहुत अच्छे से संभाल करके स्टोर कर रखा जाता है। अब हम पढ़ते हैं हार्ट के बारे में। हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो कि कंटिन्यूसली बीट करता रहता है, एक पंप की तरह, ठीक है। एंड ये ब्लड को, अभी हमने देखा कि ब्लड को क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। एंड सिर्फ ब्लड को ही नहीं, बाकी चीज़ों को भी। इमेजिन अ पंप वर्किंग ईयर्स विदाउट, समझो इतने सालों तक एक पंप बिना रुके काम कर रहा है, और वो पंप कौन है? हार्ट। हार्ट इतने सालों तक बिना रुके काम कर रहा है, एब्सोल्युटली ये इम्पॉसिबल है, बट हमारा हार्ट ऐसा करता है, ठीक है। द हार्ट इज लोकेटेड इन द चेस्ट, हमारे हार्ट कहाँ पर लोकेटेड? सबको पता है, चेस्ट कैविटी में, विद इट्स लोअर टिप स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट। अच्छा, इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है ये थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ टिल्टेड है,
ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा क्या है, स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। अब अपने फिंगर्स देखकर आप अपने लेफ्ट में थोड़ा सा फील भी कर सकते हो धक धक की आवाज़ अपने मुट्ठी से। अच्छा, आपकी मुट्ठी जितना ही आपका हार्ट होता है, ठीक है। योर हार्ट इज रफली, यह लिखा है, हार्ट इज रफली द साइज ऑफ योर फिस्ट, आपकी मुट्ठी जितना। अच्छा, अब ब्लड क्या होगा, व्हाट विल हैपन इफ द ब्लड इज रिच इन ऑक्सीजन एंड द ब्लड रिच इन अ कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स। अगर क्या होगा कि एक ऑक्सीजन का ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स हो जाए, ऐसा ना हो इसलिए हार्ट में होते हैं 4 चैम्बर्स, ठीक है। ये जो ऊपर के 2 चैम्बर्स होते हैं, ऊपर के 2 चैम्बर्स होते हैं, इनको हम कहते हैं द 2 चैम्बर्स आर्ट्रिया। इन दोनों को मैं आर्ट्रिया कहूंगी, लेकिन एक को मैं आर्ट्रियम कहूंगी, मतलब सिंगुलर में आर्ट्रियम एंड प्लूरल में आर्ट्रिया, ओके। एंड जो ये दो आपको ये देखो, इसको मैं डिवाइड कर देती हूँ, ये डिवाइड कर दिया। एंड ये जो 2 नीचे के होते हैं, इनको हम कहते हैं वेंट्रिकल। क्या कहते हैं? वेंट्रिकल्स हम प्लूरल में कहेंगे एंड वेंट्रिकल सिंगुलर में। द पार्शन बिटवीन द चैम्बर्स हेड्स टुवर्ड, और इसकी वजह से हमारा ब्लड मिक्स नहीं होता है, ओके। हमने पढ़ा था यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से ऑक्सीजन, अच्छा ब्लड आएगा, ऑक्सीजन आएगा, और देखो यहाँ पर रेड भी है, रेड क्या दर्शाता है, ऑक्सीजन को, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन आया, यहाँ पर गया, अब होता क्या है। अच्छा, एक बार फिगर को देख लो, ये होती है वेना केव, एक बार आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, बहुत कम ये एग्जाम में पूछा जाता है। ये है वेना केव, ये है अओर्टा, ये है पल्मोनरी आर्टरी। अच्छा, पल्मोनरी आर्टरी ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरी ये कैसा ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन कैरी करेगी या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, क्योंकि आर्टरी अगर ऑक्सीजन कैरी करती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करेगी। अब पल्मोनरी वेन क्या कैरी करती है, ऑक्सीजन। ये है लेफ्ट आर्ट्रियम क्योंकि ये लेफ्ट की तरफ है, ये है राइट आर्ट्रियम क्योंकि ये राइट की तरफ है, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल क्योंकि ये नीचे भी है और लेफ्ट में है, एंड ये जो है ये राइट वेंट्रिकल है। पार्शली कम्प्लीटली सेपरेटिंग द बिटवीन टू हाफ्स, ओके। ये जो आप बीच में ये देख रहे हो, ये वेल्व बने हुए हैं ना, ये जो ऐसे बना हुआ है, ये जो मैं आपको ऐसे कर कर बना के भी दिखाई थी, ऐसे ऐसे कर कर ये जो चीज़ें बनी हुई हैं, ये आप देख रहे हो, ये इनको डिवाइड कर देता है, ठीक है। पहली वंडर विच साइड ऑफ द हार्ट विल गिव हैव अ ऑक्सीजन रिच ब्लड एंड विच साइड विल हैव द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, ये भी समझेंगे, ओके। मिक्स ना हो ब्लड इसलिए जो है ये होता है सब कुछ। अब पढ़ते हैं, द पार्टीशन बिटवीन द चैम्बर्स हेल्प्स टू अवॉइड द मिक्सिंग ऑफ द ब्लड रिच इन ऑक्सीजन विद द ब्लड, ताकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स ना हो जाए। अब इस फंक्शन को समझने के लिए स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड, हम राइट साइड से शुरू करते हैं, किससे शुरू करते हैं, राइट आर्ट्रियम से, इधर से शुरू करते हैं। अच्छा, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन यहाँ पर आएगा, यस ऑक्सीजन यहाँ पर आएगा। स्टार्ट करते हैं हम राइट साइड से एंड फॉलो द एरोज, और एरोज को फॉलो करना, दिस एरोज शो द डायरेक्शन ऑफ द ब्लड, ओके। अच्छा, कहीं एरो नहीं बनाए, दिस एरो शो द डायरेक्शन ऑफ द ब्लड फ्लो फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स एंड बैक टू द हार्ट फ्रॉम वेयर इट इज पंप एंड द रेस्ट। यहाँ पर कुछ भी नहीं बताया है, यहाँ पर आपको कोई प्रोसेस नहीं बताया, यहाँ पर सिर्फ इतना बताया है कि हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं ताकि ब्लड मिक्स ना हो जाए। आप आगे चल के पढ़ोगे कि कैसे ये पूरा ट्रेवल होता है। तो वेट टू अंडरस्टैंड द स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द हार्ट। अच्छा, पहले पूछ रही है कि ऑक्सीजन कहाँ होता है, इधर होता है कि इधर होता है, ऑक्सीजन किस तरफ होता है, इसका आंसर यहाँ पर खुद दिया हुआ है। देखो यहाँ पर बताया कि सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है, राइट से, कहाँ से स्टार्ट होता है, हार्ट के राइट साइड से, और हार्ट के राइट साइड से अगर सर्कुलेटरी सिस्टम शुरू हो रहा है तो सबसे पहले कौन जाएगा, ऑक्सीजन ही जाएगा ना, तो वो इस तरफ होता है, किधर, राइट आर्ट्रियम की तरफ, ओके। इसका आंसर मिल गया, द एरो शो द डायरेक्शन ऑफ द ब्लड, ऐसे फ्लो करता है ब्लड, यहाँ से ऑक्सीजन जाएगा, ठीक है, फिर ये पूरा ट्रेवल कर कर, पूरा देश दुनिया, मतलब आपकी पूरी बॉडी ट्रेवल कर कर, फिर ये यहाँ से घुसेगा एंड ये यहाँ से निकल आएगा, ठीक है, निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको आपके इस क्लास में एक्सप्लेन ही नहीं किया गया है, ठीक है, सिर्फ इतना बोला है कि जो एरोज हैं वो आपको ब्लड का डायरेक्शन शो करते हैं, लंग्स से हार्ट में जाएगा, फिर पूरी बॉडी में पंप होकर हार्ट से वापस लंग में चला जाएगा, ठीक है। अब हम हार्ट बीट के बारे में बात करते हैं, द वॉल्स ऑफ द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर मेड अप ऑफ अ मसल्स, जो हार्ट के जो चैम्बर्स हैं उनकी जो दीवारें हैं, अब ये देखो ये हार्ट के चैम्बर्स, इनकी जो मोटी मोटी आपको दीवारें दिख रही हैं पिंक कलर की, ये दीवारें जो हैं ये मसल से बनी है, ऑब्वियसली दीज मसल्स, ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इसी की आवाज़ होती है धक धक, ठीक है। द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, ये जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है फॉलोड बाय इट्स रिलैक्शन कंटिन्यू, इसी को हम हार्ट बीट कहते हैं, ये जो रिदमिक रिलैक्शन, रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसको हम हार्ट बीट कहते हैं। रिमेंबर हार्ट बीट कंटिन्यू, ये आपकी जिंदगी भर चलती है, इफ़ यू प्लेस, आप लेफ्ट साइड में हाथ रख के देख भी सकते हो, फील कर सकते हो, डॉक्टर फील्स योर हार्ट बीट विद, डॉक्टर आपका हार्ट बीट किसकी हेल्प से जाँच मारते हैं, स्टेथोस्कोप, किसकी वजह से,
स्टेथोस्कोप की वजह से. ओके. अ डॉक्टर यूजेस द स्टेथोस्कोप एज अ डिवाइस टू एम्पलीफाई द साउंड ऑफ द हार्ट. जैसे ही डॉक्टर ये दो हिस्से उनके ईयर में लगे रहते हैं, क्योंकि इनको हम कहते हैं ईयर पीस, ये उनके ईयर में लगे रहते हैं, यहाँ पे उनको आपकी हार्ट बीट सुनाई देती है. एंड ये होता है चेस्ट पीस, जिसको उस अपने आपके चेस्ट पर रखते हैं. ठीक है, इससे पता लगता है कि आपका चेस्ट अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं. इट कंसिस्ट ऑफ द चेस्ट पीस. अच्छा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि किस किस का सपना बड़े होकर डॉक्टर बनना है. ओके. इट कंसिस्ट ऑफ द चेस्ट पीस डैट कैरीज अ सेंसिटिव डायफ्राम, टू ईयर पीसेज एंड ट्यूब ज्वाइनिंग द पार्ट्स. अच्छा, ये बता रखा है कि स्टेथोस्कोप के अंदर क्या होता है, एक ईयर पीस होता है, एक चेस्ट पीस होता है, एंड एक क्या होता है, ट्यूब होता है. ओके. हार्ट बाय लिसनिंग थ्रू द स्टेथोस्कोप, तो वो ऐसे सुनते हैं. अब आप कैसे स्टेथोस्कोप बनाओगे, आप फनल लो, ये देखो फनल लो, उसके अंदर रबर ट्यूब लगा दो, ये रबर ट्यूब लगा दी मैंने, ठीक है, एंड टाइटली ऑन द स्टीम ऑफ द फनल. अच्छा, पर रबर शीट. अच्छा, अब आपको इस फनल के ऊपर या तो रबर शीट लगा दो या तो बैलून लगा दो, बैलून ज़्यादा अच्छा रहेगा, बैलून नहीं लगा दो. ठीक है, फाउथ ऑफ द मलन एंड फिक्स इट टाइटली विद द रबर बैंड, पुट द ओपन एंड द ओके. अब कर स्टार्ट करो, आप ये अपने ईयर में ऐसे सुनने के लिए ऐसे रखो, और ये अपने हार्ट में रखो, आपको फील होगा. ठीक है, ये क्या है, स्टेथोस्कोप का मॉडल है. द माउथ ऑफ द फनल, ये वही एक्टिविटी है. हाउ मेनी टाइम, तो जब आप ये फनल यहाँ पर अपने चेस्ट पे रखोगे तो कितने टाइम में आपको दिख रहा है कि आपकी हार्ट बीट जो है वो बीट कर रही है. ठीक है, रिकॉर्ड योर, आप अपना पल्स को रिकॉर्ड करो. ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और टेबल 11.2 में फिल कर दो. डू यू फाइंड एनी रिलेशनशिप बिटवीन योर हार्ट बीट एंड पल्स रेट. हार्ट बीट और पल्स रेट, इनके बीच में कुछ रिलेशनशिप है. ईच हार्ट बीट जनरेट वन पल्स इन द आर्टरीज एंड द वन एंड द पल्स रेट पर मिनट इंडिकेट द रेट ऑफ द हार्ट बीट. ये लाइन अपने आप में बहुत कुछ बताती है. क्या रिलेशनशिप है पल्स रेट और हार्ट बीट के बीच में? एक हार्ट बीट जब होती है उसी से पल्स रेट भी जनरेट होती है. आर्टरीज में पल्स रेट कहाँ जनरेट होती है? सबसे पहले आर्टरीज में होती है. ठीक है, एक मिनट, हमने पल्स किसको बताया था, पल्स रेट क्या होता है, एक मिनट में कितनी बार आपका पल्स जो वो है थ्रॉबिंग कर रहा है, बीट कर रहा है, उसी को तो हम कहते हैं. तो आपका एक हार्ट बीट आपका एक पल्स रेट बताता है, ये रिलेशन है. द रिदमिक बीटिंग ऑफ द वेरियस चैम्बर्स ऑफ द हार्ट मेंटेन. ठीक है, तो आपका हर चैम्बर ऐसे बीट करता रहता है, रिदमिक बीटिंग होती है. ठीक है, हार्ट मेंटेन द सर्कुल, इसकी वजह से आपका सर्कुलेशन, ब्लड का सर्कुलेशन मेंटेन रहता है. ओके, बूजो वंडर्स इफ द स्पॉन्जेस एंड द हाइड्रा ऑल्सो हैव द ब्लड. बूजो पूछ रहा है कि स्पॉन्जेस और हाइड्रा के पास भी ब्लड होता है, एनिमल्स सच एज, तो ये कुछ एनिमल्स होते हैं स्पॉन्जेस और हाइड्रा, जो कि जिनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है. द वाटर इन विच द लिव, जिस वाटर में ये लोग रहते हैं उनको वहाँ से ही फूड और ऑक्सीजन मिल जाता है. ठीक है, उनको कोई ज़रूरत नहीं होती है. द वाटर कैरीज अवे वेस्ट मटेरियल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज इट मूव्स डाउन. वाटर के अंदर क्या होता है, वाटर के अंदर होता है वेस्ट मटेरियल और कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, जो कि बाहर निकल आता है. दस दीज एनिमल्स डू नॉट, इसलिए एनिमल्स को कोई सर्कुलेटरी सिस्टम चाहिए ही नहीं. ठीक है, इनको कोई ब्लड नहीं चाहिए. ओके. अच्छा, अब अभी हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन एनिमल्स. उससे पहले ये क्या है, द इंग्लिश फिजिशियन विलियम हार्वे, एक इंग्लिश फिजिशियन थे. ठीक है, इन्होंने सर्कुलेशन ऑफ ब्लड डिस्कवर्ड किया था इस टाइम पे. द करेंट ओपिनियन इन दोज डेज वॉज डैट ब्लड ओसिलेट्स इन द वेसल्स ऑफ द बॉडी. उस टाइम पर यह माना जाता था कि जो ब्लड है वो ओसिलेट करता है. ओसिलेट का क्या मतलब होता है, बेसिकली ओसिलेट का मतलब होता है पेंडुलम, देखिए जैसे टक 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 करती है, ऐसा कुछ होता है. ठीक है, तो ब्लड भी कुछ ऐसा करती है. उनके नजरिए से हार्वे ने वॉज रिडिकुलेट वॉज ऑल्सो कॉल्ड द सर्कुलेटर, तो उधर से ये नाम आया सर्कुलेटर से, सर्कुलेटरी. ही वॉज लॉस्ट मोस्ट ऑफ हिज पेशेंट्स, हाउएवर बिफोर ही डाइड हैव हिज आइडिया अबाउट द सर्कुलेशन वॉज जनरली एक्सेप्टेड एज अ बायोलॉजिकल फैक्ट. तो उन्होंने कुछ गलत जो है प्रिडिक्ट कर लिया था, कुछ गलत समझ लिया था, जिसकी वजह से उसके बहुत सारे पेशेंट जो है वो लॉस्ट हो गए. ठीक है, और फिर बाद में वो भी मर गए. लेकिन उनके मरने के बाद ये जो सर्कुलेशन का प्रोग्राम है, ये जो वर्ड है, इसको हमने इतना आगे बढ़ाया, इतना इसको एक्सप्लेन किया. अब हम पढ़ते हैं एक्सक्रीशन इन एनिमल्स. अब देखो, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से कैसे रिमूव होता है, लंग्स के थ्रू. ऑल्सो रिकॉल, अब जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो होता है रिमूव्ड बाय, अब इसको अंडरलाइन कर दो, बाय द प्रोसेस ऑफ इजेशन. लेट अस नाउ फाइंड आउट द अदर वेस्ट मटेरियल्स आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी. ठीक है, तो वो कैसे होते हैं, अब हम देखते हैं. वेन अवर सेल्स परफॉर्म, जब हमारा सेल्स फंक्शंस परफॉर्म करता है, जब हमारे सेल्स में बहुत तरीके तरीके के क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं. अब फंक्शन कुछ ना कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स रिलीज करेगा, ये होते हैं टॉक्सिक्स, इसलिए उनको बॉडी से रिमूव करना बहुत ज़रूरी है. ये जो प्रोसेस है रिमूवल का, इसको हम करते हैं, इसको हम कहते हैं एक्सक्रीशन, एंड ये होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू. इसको आप कर लो हाईलाइट, यहाँ से करो द सेल्स ऑफ द, ओके ये हो गया, ये भी कर लो. ओके,
अब हम पढ़ते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम इन अ ह्यूमन। द वेस्ट विच इज प्रेजेंट इन द ब्लड हैज टू रिमूव फ्रॉम द बॉडी। अब जो ब्लड में वेस्ट प्रेजेंट है उसको हमें हटाना पड़ेगा। तो ये कैसे होगा? अ मैकेनिज्म टू फिल्टर द ब्लड इज रिक्वायर्ड। तो देखो, अभी ब्लड में हमारा वेस्ट क्या है? मिक्स है। सबसे पहले हमको ब्लड को अलग करना पड़ेगा एंड वेस्ट को अलग करना पड़ेगा। ये काम करता है किडनी, ठीक है। किडनी क्या क्या काम होता है? किडनी ब्लड में से वेस्ट निकाल देता है, ठीक है। ये देखो, ये लिखो यहाँ पर, इसको अंडरलाइन कर लो। अब नेक्स्ट क्या होता है? जब ब्लड दो किडनी से पहुँचता है तो इट कंटेन बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल सब्सटेंस। किडनी के अंदर दोनों होता है, यूजफुल सब्सटेंस होता है एंड हार्मफुल सब्सटेंस होता है। यूजफुल सब्सटेंस तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है, ब्लड वापस एब्जॉर्ब कर लेता है एंड वेस्ट को यूरिन के थ्रू निकाल देता है। फ्रॉम द किडनीज द यूरिन गोज इन टू द यूरिन। अब देखो, फ्रॉम किडनीज से कहाँ पर जाता है यूरिन? यूरिनरी ब्लैडर में जाता है। यहाँ पर आप अंडरलाइन कर लो। देखो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? वाटर के अंदर के वेस्ट की, ठीक है। थ्रू, अभी हम ये सिस्टम भी समझेंगे, ट्यूब लाइक अ यूटेरस। अब यहाँ पर क्या है? ओके, ये देखो, ये यूरिनरी ब्लैडर है। यहाँ पर जो है वो क्या गया? जितना भी आपका यूरिन है वो गया किसके थ्रू? गया यूटेरस के थ्रू। ऐसे हवा में उड़ के तो नहीं जाएगा, यूरिटेर के थ्रू गया, ठीक है। यूरिटेर क्या होता है? ट्यूब लाइक होते हैं, आप देख भी सकते हो डायग्राम में, ये ट्यूब जैसे हैं, ठीक है। इट इज स्टोर्ड इन द ब्लैडर एंड इज पास्ड आउट थ्रू द यूरिनरी ओपनिंग। और यूरिनरी ओपनिंग से हमारा वेस्ट का जो टॉक्सिक सब्सटेंस है जो हमारे को डेथ कॉज कर सकता था वो निकल गया है। एट द मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या होता है? मस्कुलर ट्यूब होती है, ठीक है। ओके, अच्छा, किडनीज, यूरेटर, ब्लैडर, ये सब एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग जो है वो कम से कम 1.8 लीटर ऑफ यूरिन पास करता है 24 घंटे में, ठीक है। अब उसके वाटर ड्रिंक करने पे डिपेंड करता है। यूरिन कंसिस्ट ऑफ, अच्छा, यूरिन के अंदर क्या होता है? यूरिन के अंदर 95% वाटर होता है और 2.5% यूरिया होता है। यूरिया ये जो होता है ना, ये बहुत ही टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, इट इज़ वेरी टॉक्सिक सब्सटेंस एंड 2.5% बाकी वेस्ट होता है, ठीक है। अब हम इसके सिस्टम पर पढ़ते हैं। ये होती है किडनी, ये आप देख रहे हो, ये क्या है? ये वेन है एंड ये क्या है? ये आर्टरी है। ये क्या है? यूरेटर है। यूरेटर कैसे है? ट्यूब लाइक है। ये यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरेथ्रा है। यूरेथ्रा क्या है? एक मस्कुलर ओपनिंग है, ठीक है, मस्कुलर ट्यूब है। वी हैव ऑल एक्सपीरियंस डैट वी स्वेट ऑन अ हॉट समर डे। गर्मी में हम सबको पसीना आता है। अभी जो स्वेट है इसके अंदर वाटर भी होता है और सॉल्ट भी होता है, वाटर भी होता है एंड सॉल्ट भी होता है। तो वाटर प्लस सॉल्ट क्या बनाता है? स्वेट। बूजोस को गर्मी में बहुत पसीना आता है, वो देखता है कि उसके शर्ट के नीचे जो है पैचेस, वाइट पैचेस हो गए हैं। ऐसा क्यों होता है? अंडर आर्म्स के नीचे बहुत पैचेस हो गए, वो ये क्योंकि जब आपको पसीना आता है तो पसीने के अंदर है वाटर और पसीने के अंदर सॉल्ट। पसीना तो इवेपोरेट हो गया बट सॉल्ट बच गया, उसी सॉल्ट का निशान है वो वाइट पैच, ठीक है। डज स्वेट सर्व एनी अदर फंक्शन? तो स्वेट और कुछ करता है? वी नो डेट वाटर कैप्ट इन अ अर्थन पॉट मटका इज कूलर, दिस इज बिकॉज द वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम द पोर्स ऑफ द पॉट विच कॉजेस अ कूलिंग। अच्छा, मटका में जो पानी रखा रहता है वो ठंडा कैसे रहता है? क्योंकि मटका में जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं वो गर्म वाटर को इवेपोरेट कर देते हैं और मटका अंदर ठंडा रहता है। पहले यह जानना चाहती है कि बाकी एनिमल्स भी यूरिनेट करते हैं, ऑब्वियसली, क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबको अपनी बॉडी से टॉक्सिक सब्सटेंस निकालना बहुत जरूरी होता है क्योंकि उसकी वजह से उनकी डेथ हो सकती है, ठीक है। द वे इन विच द वेस्ट केमिकल्स आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी इन द एनिमल्स डिपेंड ऑन द अवेबिलिटी। ओके, अब जैसे हमारे ह्यूमन बींग्स से तो कम ही वाटर पीते होंगे, ठीक है, तो वो उनके वाटर पीने पे डिपेंड करता है। एंड आपको ये याद करना है, ठीक है, ये वाला पैराग्राफ। ओके, एक्वेटिक एनिमल्स, अब जैसे फिश हैं, ये क्या करती हैं? ये भी करती हैं एक्सक्रीट, दे एक्सक्रीट, लेकिन सेल, ये सेल एक्सक्रीट करती हैं। एंड इनके वेस्ट में होता है एमोनिया जो कि वाटर में डिजॉल्व हो जाता है। सम लैंड्स, अब जो कुछ हैं जैसे बर्ड्स हैं, लिजार्ड्स हैं, ये क्या करती हैं? सेमी सॉलिड जो है वो एक्सक्रीट करती है। अब सेमी सॉलिड का मतलब क्या है? मतलब ना ही लिक्विड ना ही सॉलिड, ये जो एक्सक्रीट करती है वो सेमी सॉलिड होता है। ये एक यूरिक एसिड होता है, वाइट कलर का कंपाउंड होता है जो ये एक्सक्रीट करती हैं। द मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन इज यूरिया। ह्यूमंस में जो मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, जो सबसे ज़्यादा बहुत ज़रूरी है रिमूव करना, वो है यूरिया। समटाइम्स अ पर्सन किडनी में स्टॉप, कभी कभी क्या होती है, पर्सन की किडनी जो है वो स्टॉप करती है, मतलब वर्क नहीं हो पाती ड्यू टू इन्फेक्शन, किसी इन्फेक्शन की वजह से या किसी इंजरी की वजह से, ठीक है, या तो किडनी फेलियर होगा। तो वेस्ट प्रोडक्ट स्टार्ट, तो हमारा जो वेस्ट है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, ठीक है, हमारा ब्लड के अंदर हमारा वेस्ट इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। एंड सच पर्सन कैन नॉट सर्वाइव अनलेस देयर ब्लड इज फिल्टर्ड पीरियोडिकली थ्रू देन आर्टिफिशियल। तो ऐसे जो लोग हैं वो पीरियोडिकली, मतलब टाइम टू टाइम ब्लड साफ होना चाहिए बट ऐसा नहीं हुआ, तो ये एक बीमारी कॉज कर देता है जिसका नाम है डायलिसिस। सिमिलरली वैन वी स्वेट इट हेल्प्स टू कूल, जब हम स्वेट करते हैं तो हमें कूलिंग में हेल्प होता है, ठीक है। जब स्वेट करेंगे तो हमारी बॉडी अंदर से तो ठंडी हो रही है ना, भले ही आपको पसीना आ रहा है।
अब हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर वन में आपने देखा प्लांट्स जो हैं वाटर और मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स लेते हैं किससे? सॉइल से। और सॉइल से उनको कौन पहुंचाता है? रूट्स पहुंचाते हैं लीव्स तक। ये है रूट्स एंड ये है प्लांट। हम पानी कहाँ डालते हैं? सॉइल में डालते हैं। सॉइल से अच्छा सॉइल में हमने पानी डाला, वो लीव्स तक कैसे पहुंचेगा? रूट्स की मदद से। ठीक है, यही इस लाइन में लिखा हुआ है। दिस लीव्स प्रिपेयर, और लीव क्या करती है? इसी वाटर के हेल्प से खाना बनाती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस उसे मिल जाता है। चैप्टर 10 में आपने पढ़ा कि फूड एक एनर्जी का सोर्स है। आप खाना खाओगे तभी आपको एनर्जी मिलेगी। ठीक है, और जब खाना खाओगे एनर्जी किसके फॉर्म में मिलेगी? ग्लूकोज के फॉर्म में। ओके, द सेल्स ऑफ यूजेस दिस एनर्जी टू कैरी आउट, और इसी एनर्जी में हम बहुत कुछ करते हैं, वॉकिंग करते हैं, रनिंग करते हैं। ठीक है, बहुत सारी अपनी एक्टिविटीज करते हैं। देयरफॉर फूड मस्ट बी मेड अवेलेबल टू एवरी सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स आर ट्रांसपोर्टेड? अभी आपको एक सोचना है कि कैसे ये जो है लीव्स तक ट्रांसपोर्ट होता है, कैसे, क्या प्रोसेस है, बीच में क्या होता है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? प्लांट क्या करते हैं? एब्जॉर्ब वाटर। रूट्स इसके सारा वाटर एब्जॉर्ब कर लिए। ठीक है, रूट के हेयर क्या होते हैं? ये रूट के क्या है? हेयर है। इसने सारा वाटर एब्जॉर्ब कर लिया, ये रूट का हेयर है, इसने सारा वाटर ये देखो एब्जॉर्ब कर लिया। अब आगे क्या होगा? द रूट हेयर इंक्रीजेज द सर्फेस एरिया फॉर द रूट। सॉरी, रूट हेयर जो है वो सरफेस एरिया बढ़ा देगा। सरफेस एरिया मतलब जब ये वाटर ऐसे कैरी करेगा तो ये क्या करता है? सरफेस एरिया बढ़ा देता है वाटर इकट्ठा करने का। यहाँ वाटर सारा इकट्ठा हो जाएगा एंड ऊपर ट्रैवल होते जाएगा। ठीक है, फॉर दिस अब्जॉर्प्शन ऑफ द मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व इन द वाटर। वाटर के अंदर जितना भी मिनरल, जितना भी सब कुछ है, वहाँ पर रूट क्या कर लेगा? उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप कुछ भी ऐसे प्लांट का आंसर लिख रहे हो तो उसमें ये लिखना कि रूट क्या करता है? सरफेस एरिया को एरिया इंक्रीज करता है एंड एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। द रूट हेयर इज इन कॉन्टैक्ट विद द वॉटर प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल। ओके, ये जो रूट हेयर है, ये जो आपके रूट्स हैं, ये किसके कॉन्टैक्ट में है? सॉइल के कॉन्टैक्ट में है। ठीक है, एंड सॉइल के बीच में जो वाटर प्रेजेंट है उसके कॉन्टैक्ट में भी है। ठीक है, कैन यू गेस हाउ वाटर मूव्स फ्रॉम द रूट? तो वाटर जाता कैसे है? बूजो थिंग्स दैट प्लांट्स में हैव अ पाइप। तो बूजो सोचता है कि प्लांट के स्टेम में क्या होती हैं? पाइप्स होती हैं जो उसको पहुंचाती हैं। जैसे हमारे घर में पाइप्स होती है ना, जो हमारे पानी हमारे घर तक पहुंचाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, पाइप्स नहीं होती है। होती हैं पाइप्स, बट वैसी पाइप्स नहीं होती जैसे हमारे घर के उससे होती हैं। ठीक है, हम पढ़ते हैं। वेल, बूजो सही बोल रहा है। वैसे प्लांट्स के पास भी पाइप होती हैं, बट वेसल्स की तरह होती हैं। कैसे होती हैं? वेसल्स की तरह। वाटर ट्रांसपोर्ट करने के लिए इनके पास होती है पाइप, जो कि ट्री के स्टेम या यहाँ पर जो मोटा ये जो बीच का होता है, इस इधर प्रेजेंट होती हैं पाइप्स। द वेसल्स मेड ऑफ स्पेशल सेल फॉर्मिंग द वेस्कुलर टिश्यू। ये जो वेसल्स होती हैं, जो पाइप होती हैं जहाँ से ये पानी जाएगा, मिनरल जाएगा, वाटर जाएगा, ये किससे बना होता है? ये जो पाइप है ये किससे बनी है? ये वेस्कुलर टिश्यू से बनी है। किससे बनी है? वेस्कुलर टिश्यू से। इन सबके जो मोटे मोटे इनका तो डेफिनेशन आपको लर्न कर ही लेना है। टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स। ग्रुप ऑफ सेल होता है जो एक काम कर रहा है। समझो, मेरे ब्रेन के सेल्स मिलकर क्या बना रहे हैं? एक टिश्यू बना रहे हैं, जो क्या करते हैं? मेरा दिमाग चलाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको पता नहीं क्यों ये टिश्यू बता दिया है। अच्छा, इसलिए बताया है क्योंकि यहाँ पर ये वेस्कुलर टिश्यू वर्ड आया है। ठीक है, तो बहुत सारे सेल्स कंबाइन होकर के ये वेसल जो है ये बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं वेस्कुलर टिश्यू। द वेस्कुलर टिश्यू फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द वाटर एंड द न्यूट्रिएंट्स इन द प्लांट इज कॉल्ड द ज़ाइलम। ये वेस्कुलर टिश्यू वाटर और न्यूट्रिएंट्स को सिर्फ जो है ट्रांसपोर्ट करता है। मतलब ये खाना नहीं जाने देगा, ये बोलेगा कि सिर्फ मेरे से तुम वाटर की एंट्री है एंड न्यूट्रिएंट्स की एंट्री है। तो ऐसा वेसल जिसके अंदर आप सिर्फ जो है वाटर और न्यूट्रिएंट्स की एंट्री दे सकते हो, उसको हम कहते हैं ज़ाइलम। ज़ाइलम जो है फॉर्म होता है नेटवर्क ऑफ चैनल दैट कॉन्टैक्ट द रूट टू द लीव्स थ्रू द स्टेम ऑफ द ब्रांचेस एंड दस द ट्रांसपोर्ट। ओके, ये जो ज़ाइलम होता है ये रूट से क्या होता है? कनेक्ट होता है एंड वाटर पहुंचाता है। नेटवर्क ऑफ चैनल का कंफ्यूज मत होना। नेटवर्क ऑफ चैनल का मतलब है रूट्स से कनेक्ट होता है। ठीक है, रूट्स से कनेक्ट होता है। देखो, इसको क्यों ना कहें नेटवर्क? जो हमारे घर का तार होता है, ठीक है, जो हमारे नेटवर्क का तार है वो सबके घर से अटैच्ड है। समझ लो सारे बिजली जितने पावर हाउसेज है सबसे अटैच्ड है, तभी तो सबको बिजली मिलती है। तो क्या है कि यहाँ पर लीव है, यहाँ पर फ्रूट है, यहाँ पर फ्लावर है,
ठीक है। तो ये जाइलम लीव से कनेक्ट है, फ्लावर से कनेक्ट है, फ्रूट से कनेक्ट है, रूट्स से कनेक्ट है, तो ये क्या हुआ, एक तरीके का नेटवर्क हुआ ना। तो यही है नेटवर्क ऑफ चैनल्स। एंड ओके, यू नो डैट लीव सिंथेसिस, अच्छा पहली से इज मदर पुट्स अ लेडी फिंगर एंड अदर वेजिटेबल्स इन द वाटर इफ दे आर समवॉट ड्राई, शी वांट्स टू नो हाउ वाटर एंटर्स इनटू देम। तो पहली जानना चाहती है कि जो मदर होती है वो कभी कभी लेडी फिंगर जो है बाकी सब्जियां वाटर में रख देती है, उनके अंदर वाटर कैसे जाता है, उनके अंदर का अलग प्रोसेस होता है, ठीक है। जो आई थिंक अगर आपको इसमें बताया होगा तो हम पढ़ लेंगे, नहीं बताया होगा तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। बट इतना तो पता है ना कि जाता है, कोई ना कोई उसका भी प्रोसेस होता होगा। ओके, लीव्स सिंथेसिस फूड, अब लीव्स खाना बनाती हैं, द फूड हैज़ टू बी, अब खाना कैसे, ठीक है, पानी गया रूट्स से लीव तक, गया लीफ ने खाना बनाया, अब ये जो लीफ ने खाना बनाया है ये बाकियों तक कैसे पहुंचाएगी, रूट को कैसे पहुंचाएगी, फ्रूट को कैसे पहुंचाएगी, कैसे पहुंचाएगी लीफ, कैसे। देखो जाइलम में तो रूट से बाकी पार्ट्स ऑफ प्लांट तक पहुंच रहा था, लेकिन जब खाना पहुंचाना है तो कौन पहुंचाएगा, लीफ पहुंचाएगी बाकी पार्ट्स। द फूड हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द पार्ट, फूड को सारे पार्ट्स जितने भी प्लांट के पार्ट्स हैं उन सब में ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। एंड ये कौन सा वैस्कुलर टिश्यू करता है, फ्लोयम, कौन, फ्लोयम। जाइलम और फ्लोयम ऐसे दो सब्सटेंस हैं जो हमको, जाइलम जो है वाटर ट्रांसपोर्ट करने में, फ्लोयम जो है वो हमें फूड ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। वी वुड रिक्वायर्ड अ ग्लास टम्बलर, हमको एक ग्लास टम्बलर की ज़रूरत होगी। अच्छा ये जो एक्टिविटी है ना ये तो पक्का ही करवाई जानी है आपके स्कूल में, वॉटिल वन थर्ड ऑफ द कट द बेस। ओके, आपको क्या करना है, एक आपको अपने गार्डन में जाना है एंड एक प्लांट को काट लेना है, काटना है, उखाड़ना नहीं, काटना है। अब जब उसको काटोगे तो आप एक ग्लास में वाटर भरो, उस वाटर के अंदर क्या डालो, रेड कलर की इंक डाल दो, फिर आप उस स्टेम को रख दो, उस स्टेम को क्या करोगे आप, रख दो। ऐसा प्लांट, ऐसा पौधा लेना जिसके ऊपर वाइट कलर के फ्लावर्स हो, ठीक है। आप देखोगे थोड़ी देर बाद क्या होगा, अच्छा ये जो स्टेम है, जो नीचे स्टेम है, नीचे स्टेम के कुछ ऐसे दिखता है, ठीक है, एंड लार्ज व्यू ऑफ द ओपन एंड ऑफ स्टेम, स्टेम कुछ इस तरीके का दिखता है। ओके ओके, ऑब्जर्व इट नेक्स्ट डे, उसको नेक्स्ट दिन देखना, डस एनी पार्ट ऑफ द हबियर अपियर रेड, इफ यस, तो जो आपके ऊपर, इसके ऊपर जो वाइट कलर के फ्लावर्स थे, ठीक है, वो रेड कलर के हुए कि नहीं हुए, वो हो जाएंगे एक्चुअली। फ्रॉम दिस एक्टिविटी वाटर मूव्स अप द स्टेम इन द रिवर, ठीक है ओके। यहाँ पर आई थिंक पहली के क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, ठीक है हाँ। तो आप देखोगे कि जो फ्लावर्स हैं वो रेड हो जाएंगे, इसका मतलब कि वाटर स्टेम से भी ऊपर जा सकता है बिना रूट के, ठीक है। जस्ट लाइक द रेडिंग मिनरल्स डिजॉल्व इन वाटर ऑल्सो मूव अप द स्टेम अलॉन्ग विद द वाटर, जैसे कि असली प्लांट में रूट्स के थ्रू जो है, सॉरी स्टेम के थ्रू वाटर सब तक पहुंचता है, वैसे यहाँ पर रेड इंक पहुंच गई है फ्लावर तक, ठीक है। इसका मतलब कलर हो जाएगा, जो आपके फ्लावर्स होंगे रेड कलर के हो जाएंगे, तो इसका मतलब स्टीम्स जो स्टेम होती हैं उनमें से वाटर भी पास करता है, ठीक है। जस्ट लाइक ओके, वाटर एंड मिनरल्स गो टू लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट थ्रू द नैरो ट्यूब जाइलम इनसाइड द स्टेम। स्टेम के अंदर एक बहुत पतली ट्यूब होती है जिसको हम कहते हैं जाइलम, ठीक है, जो किससे बनी होती है, वैस्कुलर टिश्यू से बनी होती है। ये जो जाइलम है ये लीव्स तक वाटर पहुँचाती है, वाटर पहुँचाती है और मिनरल पहुँचाती है। मुझे जानना चाहता है कि वाई प्लांट एब्जॉर्ब द लास्ट क्वांटिटी ऑफ द वाटर फ्रॉम द सॉइल देन इट ऑफ बाय द ट्रांसपिरेशन, मुझे ये जानना चाहता है कि क्यों लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर ये सॉइल से एब्जॉर्ब करती है और ट्रांसपिरेशन के थ्रू जो है ये छोड़ देती है। सो ट्रांसपिरेशन की ज़रूरत क्यों होती है, इसलिए होती है जैसे आपके बॉडी से पसीना निकलता है, क्यों निकलता है, क्योंकि आपको अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना है, वैसे प्लांट्स को भी अपना जो टेम्परेचर है वो रेगुलेट करते रहना है इसलिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है ट्रांसपिरेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, फिर चैप्टर फिनिश। इन क्लास सिक्स में आपने पढ़ा था कि जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत सारा वाटर ट्रांसपिरेशन के थ्रू लॉस कर देते हैं एंड प्लांट बहुत सारा मिनरल न्यूट्रिएंट सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं। देखो नॉट ऑल द वाटर एब्जॉर्ब्ड इज यूटिलाइज, सारा वाटर प्लांट मिट्टी से नहीं निकाल लेते, अगर फिर वरना मिट्टी सूखी पड़ जाएगी, ठीक है, तो बहुत थोड़ा सा जो है ये एब्जॉर्ब करते हैं। द वाटर इवेपोरेट, और वाटर इवेपोरेट हो जाता है स्टोमेटा के थ्रू, ठीक है। लीव्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटा, जिसके थ्रू वाटर इवेपोरेट हो जाता है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन। भले ये लास्ट टॉपिक है इसमें, लेकिन इसमें ये एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, द इवेपोरेशन ऑफ द वाटर फ्रॉम लीव जनरेट अ सक्शन पुल। देखो इसका आंसर लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो पूजा ने क्वेश्चन पूछा है इसका साक्षात आंसर है, अगर इसका आंसर दिया है तो ये क्वेश्चन पेपर में आएगा कि वाई क्यों होता है ट्रांसपिरेशन। तो सबसे पहले आपको ट्रांसपिरेशन की डेफिनेशन लिखना है, फिर आपको लिखना है कि ये जो इवेपोरेशन होता है लीव्स से,
इट जनरेट अ सक्शन पुल, इसकी वजह से क्या होता है सक्शन पुल, द सेम एज दैट यू प्रोड्यूस व्हेन यू सक वाटर थ्रू द स्ट्रो। सक्शन पुल का मतलब होता है जब आप स्ट्रॉ से पानी पीते हो, ऐसे कर कर पीते हो ना, तो वैसा ही कुछ यहाँ पर जनरेट होता है जो कि वाटर को हाइट तक खींचता है। आप स्ट्रॉ से पानी ऊपर खींचते हो ना, इससे भी क्या होता है जब वाटर अपना वाटर जो है स्टेम से खींच रहा होता है, तो आधे से ज़्यादा वाटर फिर क्या होता है इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। इसलिए एंड इवेपोरेशन इसलिए भी होता है कि समझ लो बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, ठीक है, उनको कूल रखना है, तो इवेपोरेट होकर ऐसा हो सकता है कि उनको वाटर मिल जाए फोटोसिंथेसिस के लिए। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो सक्शन पुल का मतलब आई थिंक आपको समझ आया होगा कि जैसे आप स्ट्रॉ में ऐसे करते हो तो आपके माउथ में अचानक से वाटर बहुत सारा आ जाता है, तो वैसे ही क्या होता है जब प्लांट जो है तेज़ से वाटर खींच रहा होता है, तो इससे क्या होता है आधे से ज़्यादा थोड़ा बहुत लॉस हो जाता है। एंड ट्रांसपीरेशन प्लांट को कूल रखने में भी हेल्प करता है। जैसे हम पसीना, हमारे बॉडी से पसीना निकलता है, ठीक है, क्यों निकलता है, क्योंकि हमको अपने बॉडी का टेम्परेचर, हमें अपने बॉडी को ठंडा रखना है, ठीक है। इसलिए अब कीवर्ड्स देख लेते हैं, अमोनिया आर्टरी, ब्लड वेसल्स, कैपिलरी सर्कुलेटरी सिस्टम, डायलिसिस, एक्सक्रीशन, एक्सक्रेटरी सिस्टम। डायलिसिस वाला बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा कौन सी बीमारी होती है, अगर आपकी बॉडी में किडनी खराब हो गई है और उसमें ब्लड जो है के वेस्ट नहीं अलग हो रहे हैं। एक्सक्रेटरी सिस्टम, हेमोग्लोबिन, हार्ट बीट, किडनीज, फ्लोएम, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, पल्स, रेड ब्लड सेल्स, रूट हेयर, स्टेथोस्कोप, स्वेट टिश्यू, यूरिया, यूरेटर, यूरेथ्रा, यूरिक एसिड, ड्यूरेनी ब्लैडर, वेन, वाइट ब्लड सेल्स, साइलम। ये सारे कीवर्ड्स हैं जो मैंने पढ़ दिया है। नेक्स्ट है, इन मोस्ट एनिमल्स द ब्लड डेट सर्कुलेट्स इन अवर बॉडी डिस्ट्रीब्यूट। हमारी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट होता है ये हमारी बॉडी को फूड, ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है, एंड ये वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी हमारे बॉडी से रिमूव करने में हेल्प करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है उसके अंदर होता है हार्ट और ब्लड वेसल्स होता है। ह्यूमन में ब्लड जो है आर्टरी से वेन्स, जो ह्यूमंस है उसके अंदर दो तरीके के ब्लड वेसल्स होते हैं, एक होता है आर्टरी, एक होता है वेन। जो आर्टरी होता है उसके अंदर ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, जो वेन होता है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है। एंड पल्मोनरी में उल्टा हो जाएगा। ब्लड कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा, ब्लड के अंदर क्या होता है प्लाज्मा होता है, आरबीसीज होती है, डब्ल्यूबीसीज होती है, एंड प्लेटलेट्स होती है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ इन सबका फंक्शन क्या होता है। डब्ल्यूबीसी लड़ने में हेल्प करता है, आरबीसी ब्लड को रेड कलर देने में हेल्प करता है, प्लाज्मा तो जाना है ही ब्लड, प्लेटलेट्स क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ब्लड रेड होता है ड्यू टू द हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन लाल कलर का होता है जिसके वो ब्लड को लाल बना देता है। हेमोग्लोबिन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हेमोग्लोबिन क्या करता है अपने अंदर ऑक्सीजन को मिक्स करता है और पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। ह्यूमन का हार्ट 70-80 टाइम्स एक मिनट में बीट करता है। अब वो ह्यूमन कौन है, बच्चा है या एडल्ट, एडल्ट, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं हार्ट रेट। अब देखो हार्ट रेट की डेफिनेशन आपको नहीं दी है बुक में, तो आप ये वाली यूज़ कर लेना, ठीक है। आर्टरीज कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट, आर्टरीज क्या करती हैं हार्ट से ब्लड कैरी कर पूरे बॉडी में फैलाती हैं, और वेन्स क्या करती हैं पूरे बॉडी से वापस हार्ट पे लेकर आती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है। रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी, जब आपके बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं एक्सक्रीशन, एंड इसमें हेल्प करता है एक्सक्रेटरी सिस्टम। एक्सक्रेटरी सिस्टम के अंदर होता है दो किडनी होती हैं, दो यूरेटर्स होते हैं, एक यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा होता है। अच्छा, सॉल्ट और यूरिया आर रिमूव्ड अलॉन्ग विद द वाटर एज अ स्वेट। अच्छा, हमारी बॉडी से जो सॉल्ट होता है एंड यूरिया होता है ये वाटर के स्वेट में, पसीने में रिमूव हो जाता है। फिश कैसे एक्सक्रीट करती हैं, फिश जो है वो अमोनिया एक्सक्रीट करती हैं, एंड लिजर्ड वगैरह क्या एक्सक्रीट करते हैं यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेमी सॉलिड फॉर्म, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट। फिश क्या एक्सक्रीट करती हैं अमोनिया, जो कि वाटर के अंदर मिल जाता है। बर्ड्स हो गया, इंसेक्ट्स हो गया, ये जो एक्सक्रीट करते हैं ये होता है सेमी सॉलिड सरफेस, ठीक है। ये होता है यूरिक एसिड, इसके अंदर होता है यूरिक। वाटर एंड मिनरल्स जो है रूट्स एब्जॉर्ब कर लेती हैं। न्यूट्रिएंट्स और पानी ये होता है जाइलम के थ्रू सारे पार्ट्स जो भी है प्लांट में उनको मिल जाता है। तो वैस्कुलर टिश्यू फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड। ओके, फ्लोएम क्या करता है फूड ट्रांसपोर्ट करता है। अच्छा, फूड ट्रांसपोर्ट किधर से करता है, रूट से लीफ पे करता है कि लीव से रूट में, ठीक है। लीव से रूट में नहीं कह सकते आप, लीव से बाकी पार्ट्स ऑफ प्लांट में। अ लॉट ऑफ वाटर ट्रांसपीरेशन के थ्रू बहुत सारा वाटर क्या हो जाता है गुमशुदा हो जाता है स्टोमेटा के थ्रू। ट्रांसपीरेशन क्या करता है, ट्रांसपीरेशन एक फोर्स जनरेट करता है जिसकी वजह से वाटर जब एब्जॉर्ब हो रहा होता है, जब रूट्स क्या करते हैं वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, तो जब तक ये स्टेम और लीव्स में पहुंचता है तो थोड़ा सा वो इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। ये लाइन आप लिख सकते हो, चाहे तो आप ये लिख सकते हो, जब आपको ये पूछा जाएगा, पक्का पूछा जाएगा कि
क्यों ट्रांसपिरेशन होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आती है एक्सरसाइज, जो कि ऑब्वियसली हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आपको इसको समझ के सॉल्व करना है तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू वेरी मच।